मैं भी रीवा में अवधेश प्रताप सिंह वीवी बड़ा फर्जीवाड़ा चल रहा था। यहाँ पदस्थ कर्मचारियों ने पास कराने की फैक्ट्री खोल रखी थी। अवैध तरीके से छात्रों ने रुपए लेकर इन्हें पास कराया जाता है। छात्रों को पास कराने के लिए कर्मचारी खाते में ऑनलाइन रुपए मंगाते थे, इसके बाद उन्हें पास कर देते थे। इसका खुलासा होने के बाद कर्मचारियों ने बाहर का रास्ता तो दिखा दिया गया है, लेकिन FIR में देरी की जा रही है। शिक्षा के मंदिर में इस तरह का किया गया काम पूरी पारदर्शिता पर ही सवाल खड़े कर गया है। ईमानदारी से पढ़कर परीक्षा देने वालों के साथ गंदा काम किया गया है, फिर भी विश्वविद्यालय कार्यवाही करने में देरी कर रहा है। ऑनलाइन छात्रों से खाते में मंगाते थे रुपए, कई कर्मचारियों में बंटवारा होता था। कर्मचारियों के पकड़े जाने के बाद कईयों के नामों का खुलासा हुआ। अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय में बड़े फर्जीवाड़े का खुलासा हुआ है। यहाँ 40 अनुत्तीर्ण छात्रों को पास कराने के बदले ऑनलाइन से 84,000 रुपए कर्मचारियों ने खाते में डलवाए। मामला पकड़ में आया, लेकिन अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय के अधिकारियों ने मामले को दबा दिया। जैसा कि आप सभी को मीडिया जगत में भी ये खबर आ चुकी है कि APS यूनिवर्सिटी जो रीवा, उसमें अभी एक वर्तमान में मामला आया है। आप सबको पता है कि मैंने कई बार वहां आंदोलन प्रदर्शन किए हैं इसके लिए कि छात्रों को वहां डीथल प्रमोटेड एटिकेटी 70% से ज्यादा छात्रों को किया गया था। इस बार जो रिजल्ट आया उसके बाद हमने बताया कि इसमें फर्जीवाड़ा है। कई बार हमने ये आवाज उठाई कि इसमें फर्जीवाड़ा किया गया है और छात्रों को जबरदस्ती फेल प्रमोटेड एटिकेटी किया गया, जो कि नई शिक्षा नीति के नियम के अनुसार भी गलत था। लेकिन कई बार हमने आवाज उठाया और उस आवाज को कोई भी सीरियस नहीं लिया और दबाया गया। अभी वर्तमान में कल ही पेपर कटिंग भी आप लोगों ने देखा होगा कि उसमें 40 छात्रों से 84,000 रुपए APS प्रबंधन ने इकट्ठा किया। उसमें एक सर का भी नाम आया है और वो क्या है, पैसे इकट्ठा करके पास करने का काम कर रहे हैं कॉलेज में। देखते रहिए DB भारती समाचार, नजर हर खबर पर।